हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। आज हम अपने कार में एप्पल कार एंड्रॉयड प्ले लगाने के लाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब मैकेनिक बैठे हुए हैं। हमारे कार में एंड्रॉयड एप्पल कार पर प्ले लगाया जा रहा है। इसका मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने ये ऑटो कार प्ले कहाँ से खरीदा। पास के नाम धनबाद में है, यहाँ शोरूम है, इसी जगह से मैंने ऑटो कार प्ले खरीदा। एंड्रॉयड और बैक कैमरा जो मैं अपने VXi मॉडल मारुति में फिट करवा रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से कार में फिट करते हैं। तो ये देखिए, कार के इनसाइड में चल रहा हूँ, सब ऑपरेटर लोग लगे हुए हैं। तो भैया, आपका क्या नाम हुआ? हाँ जी, हमारा नाम MD नसीम जी। अच्छा, ये आप कितने देर में हमारा गाड़ी फिट कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट फिट कर देंगे एकदम। इसमें वायर वायर भी कटिंग करते हैं क्या? नहीं, कपलर बाय कपलर है, सॉकेट बाय सॉकेट। ये रहा कपलर आपकी, ये अच्छा देखिए, यहाँ बिना वायर कटिंग के कपलर है, ये गाड़ी का कपलर है। बस ये जाकर इसमें मिल फिमल हो जाएगा और लॉक हो गया, अब एंड्रॉयड आपका चालू हो जाएगा। और इसका जो कैमरा रेयर भी वो भी लगाएगा जल्द में ही एकदम तुरंत, वो भी लगेगी। चलिए, इनका देखिए सर्विस काफी अच्छा से कर रहे हैं। और अभी हम लोग को थोड़ा सा 10-15 मिनट समय लगेगा, तो देखते हैं। और एक और भी है मैकेनिक, चलिए इनसे मिलते हैं। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इमरान। देखिए, मोहम्मद इमरान जी है, ये भी हमारे गाड़ी में सर्विस कर रहे हैं। अभी हमारा कार में ऑटो कार प्ले लगाया जा रहा है। तो ये जो कैमरा आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, कितना मिनट में आप लोग हार्डली लगा देते हैं? मतलब वो बताए हैं 20 मिनट, ठीक है, लगभग 20 मिनट में फिटिंग कर देते हैं। दोनों मिल करके अभी लगा रहे हैं और कहीं भी वायर कटिंग नहीं करेंगे। कॉपलर फिटिंग करेंगे, कोई वायर कटिंग नहीं होता। इसलिए अगर आपको कभी भी धनबाद में आना हो और अपने कार में ऑटो कार प्ले या एंड्रॉयड सिस्टम लगाना हो, तो आप धनबाद मारुति कॉर्नर में आकर के इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या बोल रहे हैं इसमें? अच्छा, स्टेयरिंग में रैपिंग कराने के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो उसे भी लगा लेंगे। फिलहाल तो हमारा एंड्रॉयड कार प्ले लग रहा है, उसके बाद पीछे बैक साइड में कैमरा लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैमरा फिट हो जाने के बाद हमारी गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है, और उसका बैक जो कैमरा सेट होने के बाद हमारा पीछे का व्यू कितना दिखाई दे रहा है वो भी हम लोग चेक करते हैं थोड़ी देर में। फिर कैमरा जो इसका बैक है, नाइट विजन कैमरा है, इसलिए फुल्ली HD में दिखाया जाएगा। ये देखिए, हमारा ऑटो कार प्ले लगाया जा रहा है और काफी अच्छे तरीके से एक्सपर्ट मैकेनिक लोग हैं। इसलिए आप कभी जब भी आपको एंड्रॉयड या किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको लगाना हो, तो इन सब से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसे फिट कर रहे हैं। बस और 15-20 मिनट टाइम लगेगा, बस हमारा एप्पल कार एंड्रॉयड प्ले सेट हो जाएगा। और ये देखिए, फ्रेम भी पैनल लगाएंगे फ्रेम का। ये देखिए, सारा फिटिंग हो रहा है आपका। ये देखिए आपका, अब लगने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह का इसका लुक लगता है गाड़ी में, डैशबोर्ड। चलिए, अब इसको कार को हम लोग ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं कि एंड्रॉयड प्ले में किस तरह का व्यू आ रहा है। ये देखिए आपका ऑन हो गया, आपका डिस्प्ले ऑन हो गया। ये देखिए आपका, मैंने पोकर कंपनी का लगाया है। ये देखिए आपका एंड्रॉयड लिखा हुआ है और धीरे धीरे आपका डिस्प्ले ऑन हो रहा है। अब इसको लगाने के बाद ऊपर से फ्रेम सेट किया जाएगा। तो मैंने चीप एंड बेस्ट के लिए पोकर कंपनी लगाया है, सस्ते में और किफ़ायत में आपको मिल जाएगा ये। और आपको चाहे तो अभी यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेंगे, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले का, सोनी का, आपका ब्लॉकबस्टर का, सब है। लेकिन मैंने चूज़ किया आपका पोकर का, जो चीप एंड बेस्ट है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं फिर इसका किस तरह प्ले। और ये देखिए फ्रेम है, ये देखिए फ्रेम, जब डिस्प्ले लगाया जाएगा उसके बाद ऊपर से फ्रेम लगाया जाता है, जिसके कारण से खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अच्छा, सारा कॉपलर टू कॉपलर काम होगा, इसमें कोई वायरिंग कट नहीं होगा, जिससे आपको शोरूम में वारंटी का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। क्योंकि शोरूम वाले बहुत डराते हैं कि बाहर से कुछ सामान नहीं लगाइएगा, समझे? हाँ, शोरूम वाले लोग हमेशा, ये कॉपलर में बैठ जाएगा, काहे कि शोरूम वाला हमेशा डरा देते हैं कि बाहर से काम नहीं करवाइएगा, समझे? हाँ, तो इसमें कॉपलर टू कॉपलर है, इसलिए किसी तरह का इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से लगाइए, किफायती रेट में आपको जितना अच्छा लगे वैसा लगाइए। और शोरूम में क्या आपको महंगा देगा? अगर आपका बजट नहीं फिर भी आपको उतना महंगा क्यों लगाएगा? तो बाहर से अपना एंड्रॉयड कार प्ले लगा सकते हैं। ये देखिए सामने का दुकान शॉप है, इसी जगह से मैं मारुति कॉर्नर से लगाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको किफ़ायत होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा है माल। ये देखिए अब
फिटिंग हो रहे हैं, सारे वायर कनेक्ट किया जा रहा है। और मैंने पहले मेरा था आपका ऐसे म्यूजिक सिस्टम था जिसे मैंने चेंज कर दिया है VXI मॉडल में, जो नहीं रहता है आपका एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले, मैंने इसे बाद में लगाया। ये देखिए पहले यहाँ का था आपका ऑडियो था, मुझसे इसे चेंज कर दे रहे हैं और आपका एप्पल कारप्ले मैंने लगाया है। तो देखिए इसका वायर सारा खोल के पॉपुलर टू पॉपुलर कनेक्ट किया जा रहा है, इसमें किसी तरह का कटिंग नहीं है। इसको लग जाने के बाद गाड़ी की खूबसूरती हमारे और भी बढ़ जाएंगे। ये माइक है ना, माइक है, ये माइक फिटिंग हो रहा है। अच्छा, एक माइक जो है इस जगह यहाँ पर लगाता है लोग, आपका इसमें भी दिया हुआ और अलग से भी लगा। अच्छा, माइक आपको ऐसा जगह मिलेगा पता चलेगा बात होगा, तो बच्चों तो नोचेगा भी नहीं उसको। अच्छा, और आवाज वॉइस क्लियर जाएगा उसमें ना, उसमें दिक्कत नहीं ना बोलेंगे तो? कोई दिक्कत नहीं, अभी बात करा देंगे आपका। अच्छा, तो देखिए अब माइक भी हमारा फिट हो गया। अब देखिए एंड्रॉइड कार पर लग जाने के बाद हमारे गाड़ी की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। अब बस ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में हमारे मैकेनिक भाई हमारे सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग बैक साइड में जा करके कैमरा लगाएंगे। ये देखिए फिटिंग हो रहे हैं, माइक लग गया है, सिस्टम लग चुका है, अब बैक साइड में जाकर के अब कैमरा लगाया जाएगा। अपना म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट हो रहा है हमारा, सब सेट कर दिए हैं। इमेज लेवल क्या होता है अपने डिवाइस से? अब इसमें सारे ईमेल आईडी सब इनबिल्ट किया जाएगा। देखिए म्यूजिक सिस्टम लग जाने के बाद ये देखिए इस तरह का भी, देखिए इसका आवाज आपको, हमारा स्पीकर पहले से लगा हुआ था, देखिए म्यूजिक सिस्टम इस तरह से बज रहा है आपको। चलिए अब हमारा म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉइड कॉल पे लग चुका है। धीरे धीरे देखिए वायर क्रॉस कर रहे हैं कैमरा के लिए, ठीक है, और पीछे से बैक साइड में कैमरा के लिए आपको वायर ले जाया जा रहा है। अब देखिए हमारा पीछे आपका ऊपर खोल दिया गया है जहाँ से हमारा बैक कैमरा लगेगा। तो देखिए हमारा बैक साइड कैमरा फिट किया जा रहा है, तो जब भी आप गाड़ी खरीदें तो कैमरा जरूर लगाएं बैक साइड, क्योंकि गाड़ी जब आप बैक करते हैं तो पीछे कुछ डॉग बैठा रहे, चाहे कुछ आदमी खड़ा रहे या किसी तरह का पत्थर रहे, तो आप इस कैमरा के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप गाड़ी ले तो या तो कंपनी फिटेड ले या फिर नहीं तो फिर बाहर में आप कहीं से आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन बैक कैमरा जरूर लगाएं दोस्तों। देखिए ये आपका वायर आपको साइड साइड से ला रहे हैं और कैमरा सेट करने के लिए, देखिए कितने अच्छे से लोग फिटिंग कर रहे हैं मिस्त्री साहब। और ये देखिए आपका वायर क्रॉस करने के लिए उसको खोला जा रहा है, जिससे नीचे बैक साइड से उसको वायर खींच करके लाएंगे, जाके तार हमारा कहीं फंसे नहीं, पैर से दबे नहीं या किसी लगेज रखते समय हमारा इसे कुछ टूटे नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक से उसको किनारे किनारे ला रहे हैं और इसे कैमरा सेट करने के लिए लगाया जा रहा है। अब थोड़ा सा एक ड्रिल मशीन लाएंगे और हल्का सा छेदा करेंगे जिससे हमारा कैमरा जहाँ सेट करना है। ये देखिए अब वायर हमारा पार हो चुका है। हाँ, तो ये देखिए हमारा बैक कैमरा सेट किया जा रहा है और अब वायर को एकदम साइड से पार के, ताकि वायर दिखे नहीं और किसी तरह फंस के टूटे नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमारे मैकेनिक साहब लगा रहे हैं इसको बैक कैमरा। ये देखिए वायर सबको साइड साइड से इसको इन कराया जा रहा है ताकि किसी तरह को दिखाई ना दे वो। ये देखिए बैक कैमरा हमारा सेट हो रहा है, थोड़े देर में हमारा सारा एंड्रॉयड सिस्टम सेट हो चुका है। अब बस बैक कैमरा सेट हो जाने के बाद ये हमारा सिस्टम सब ऑन हो जाएगा। ये देखिए हमारे एंड्रॉयड कार प्ले लग चुके हैं गाड़ी में। अब इस लगने के बाद देखिए इसका खूबसूरती काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं, एक लग जाने यहाँ पर गाड़ी का इग्निशन आपको सारा चीज स्पीड और आपका एप्पल कार प्ले इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और अब थोड़ा देर में हमारा बैक कैमरा भी लग जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा देर के बाद हमारा बैक कैमरा लगने के बाद किस तरह का ये व्यू शो करता है। ये देखिए मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम में अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। हमारा मोबाइल से देखिए आपका नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है वाईफाई, यहाँ से आप जाइएगा तो आपको दिखाएगा।
देखिए रेडमी नोट 9 मैक्स प्रो, जिससे मैंने अपना हॉटस्पॉट के द्वारा इसे कनेक्ट कर दिया और ये सारा वीडियो मूविंग इसमें चलेगा। ठीक है, अब कनेक्ट हो जाने के बाद मैंने इसका टाइम भी एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक, कंट्री रिलीजन सब मैंने टाइम डेट सब सेट कर दिया। अब स्पीड भी यहाँ पर सब ऑटोमेटिक सब चालू हो जाएगा, क्योंकि जब नेट कनेक्ट हो जाता है तो सारा इसका एंड्रॉइड फंक्शन आपका वर्क करने लगता है। तो देखिए सारे फंक्शन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर यूट्यूब वीडियो चला रहे हैं मोबाइल फोन से कनेक्ट करके। अब फाइनली हमारा म्यूजिक सिस्टम लग चुका है एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले। अब देखिए ये सारा भी वीडियो मैं इसमें चला रहा हूँ, काफी अच्छा वीडियो चल रहा है और इसका बफरिंग भी अच्छा है। अभी साउंड में म्यूट किया हूँ और ये देखिए म्यूजिक सिस्टम लग जाने के बाद बैक कैमरा भी हमारा लग गया। बैक कैमरा का आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए ये देखिए मैंने बैक रिवर्स कैमरा ऑन किया तो देखिए आपका डिस्प्ले में दिखाने लग गया बैक। ये देखिए अभी हट गया, वीडियो हमारा ऑन रह गया। फिर जैसे मैं रिवर्स कैमरा ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आपका रिवर्स ऑन हो जाता है। ये देखिए बैक अच्छा इनका व्यू है, काफी बढ़िया व्यू दिखाया जा रहा है बैक में भी, रात में भी तो मैंने सारा क्लियर है। अच्छा, और दिन में भी इससे भी ज्यादा क्लियर है। तो देखिए इसका नाइट में अभी हम कैमरा देख रहे हैं इसका काफी अच्छा व्यू, और दिन में और भी इसका HD क्वालिटी का वीडियो आएगा इस कैमरा की वजह से। इसलिए आपको जब भी कभी एंड्रॉइड सिस्टम लगाना हो तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से बोलिए भाई जी आपका नाम क्या है? MD नसीम। देखिए MD नसीम है, गाड़ी सर्विस का काम करते हर तरह से एंड्रॉइड सिस्टम या फिर किसी तरह का जी फीचर आ जाएगा। अच्छा देखिए दिखाइए थोड़ा, बैक गियर लगाए जी। देखिए जैसे बैक गियर लगाते हैं इसका बैक गियर का फीचर्स आ गया ऐसे सामने। ये देखिए सारा चीज हो गया। तो देखिए अब मैं कार में एक टॉवल भी सेट करा रहा हूँ और यहाँ भाई साहब ने काफी अच्छा रेट में दिया हमें। ये मेन फीटर है, मेन फीटर का तौलिया है। देखिए हाँ मेन फीटर का तौलिया है और ये काफी कंफर्टेबल आराम लगेगा बैठने के बाद। ठीक है, सीटिंग कंफर्टेबल हो जाएगा, इसे फिट करा रहा हूँ मैं। और इधर हमारा एंड्रॉइड कार प्ले में भी सेटिंग किया जा रहा है ताकि मैं स्टेयरिंग से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकूँ। तो भाई साहब काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे तरीका से कॉन्फिगर कर दिया जा रहा हमारे कार में ताकि हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने अपना टॉवल भी लगा लिया सीट में, जिससे हमारे स्विफ्ट डिजायर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। ये देखिए हमारा, ये देखिए स्टेयरिंग और एंड्रॉइड एप्पल कार पे से आपका सेटिंग किया जा रहा है ताकि वॉल्यूम कंट्रोल हमारा स्टेयरिंग से ही मैं कर सकूं, हमें डिस्प्ले टच करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए काफी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर ही आपका मारुति कॉर्नर में। यहाँ के लोग काफी कोऑपरेटिव है, यहाँ का मिस्त्री भी काफी अच्छा से सब हमारे म्यूजिक सिस्टम सेट कर दे रहे हैं और टॉवल भी लगा दिया जा रहा है और ये काफी फिनिशिंग से लोग लगा रहे हैं। भाई साहब काफी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बैक साइड में मैंने कैमरा जो सेट करवाया है, इस जगह मैं यहाँ पर कैमरा लगाया हूँ। इस कैमरा यहाँ लगाने से क्या होता है, कोई बच्चा लोग इसे छेड़छाड़ या निकाल नहीं सकते हैं। तो देखिए और पीछे टॉवल लगाया जा रहा है, देखिए टॉवल लगा दिया गया है। हाँ, ये देखिए बैक साइड भी टॉवल लगाया जा रहा है। टॉवल लगाने से सीट का भी सेफ हो जाएंगे और गाड़ी भी और भी खूबसूरत देखने में लगेंगे। ये देखिए हमारा म्यूजिक सिस्टम सेट हो गया है, कंट्रोलिंग सेट हो गया उससे। तो देखिए भाई साहब ने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिंग कर दिया ताकि मैं वॉल्यूम कंट्रोल स्टेयरिंग से ही कर सकूँ, हमें आपका एंड्रॉयड प्लेयर को टच करने की ज़रूरत ना पड़े। ये फाइनली हमारा लग चुका है और 10-15-20 मिनट के बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलूंगा और मैं कल एक नए डेस्टिनेशन के लिए जा रहा हूँ, उसी की तैयारी के लिए मैं स्पेशली आया था कि बैक कैमरा लगा लो। 222 से 23 मिला था एक दिन में इसको, अपने काम के डाटा पे डाला वीडियो। अच्छा, 222 से 23 मिला था कॉइन से मिला था एक दिन में ना, तो इनका वीडियो काफी वायरल हो गया होगा इसलिए। ये देखिए नेविगेशन स्क्रीन भी जो है ना स्प्लिट कर सकते हैं, आधा वीडियो आधा मैप वगैरह भी आप चला सकते हैं। अच्छा, मैपिंग और आधा वीडियो भी चलते रहेगा ना इसमें, इस तरह का सेटिंग हो जाएगा। देखिए आधा में आपका इस एंड्रॉइड प्ले में आपका गूगल मैप भी चल रहा है और आधा में वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए भाई साहब ने अच्छा सेटिंग कर दिया है,
ताकि हम दोनों वीडियो के मजा भी ले सकें और नेविगेशन भी ले सकें। और सारा स्टेयरिंग कंट्रोल सिस्टम कर दिया गया है कि सारा मैं म्यूजिक का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सब हम स्टेयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ ऑन कर सकते हैं। देखिए हमारा स्टेयरिंग से ही हमारा वॉल्यूम कम बेसी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेटिंग किया गया है। फाइनली भाई ने हमारा म्यूजिक सिस्टम को स्टेयरिंग से कनेक्ट कर दिया है। और कुछ इसमें सेटिंग रह गया? सारा ओके हो गया ना सब? ठीक है। ये देखिए फाइनली भाई ने हमारा पास सारा सेटिंग कर दिया है और बैक रियर कैमरा लग जाने के कारण इसका गाड़ी की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। देखिए बैक जब रिवर्स करते हैं तो बैक का व्यू देखिए आप कैमरा का, ये देखिए बैक व्यू देखिए पूरा क्लीन है। अभी रात है तो HD क्वालिटी, दिन में इसका व्यू और भी काफी क्लियर आएगा। ठीक है, ये फुल HD इसका आएगा बैक रियर कैमरा से आपका। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, काफ़ी कोऑपरेटिव थे आप लोग, थैंक यू, धन्यवाद। एंड्रॉइड सिस्टम गाड़ी में लगा लिया है, अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम बिलिंग करा कर अब यहाँ से निकलेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे नाम है। भैया आपका क्या नाम हुआ? विशाल चौधरी। चलिए विशाल चौधरी जी हैं यहाँ पर, जो भी एसेसरीज लगाना हो कार का, किसी प्रकार का भी सिस्टम सब आपको लगेंगे होलसेल रेट में। अच्छा लगा इनसे मिलकर। इनका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो आप आइएगा तो आपका जो सर्विस है बहुत बेस्ट है, और भाई साहब जी का बात करने का तरीका हमें काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, और हमने फाइनली इस म्यूजिक सिस्टम में ही से एंड्रॉइड प्लेयर लगाया है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।